वो टर्नआउट तो देखना पड़ेगा। जी ठीक है, चलें फिर आपसे मैं बात करता हूँ। राइट, थैंक यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मदन, मैं राहिला बात कर रही हूँ, सोमिया की भाभी। जी बताइए। आपको बुरा तो नहीं लगा मैंने आपको फोन किया? देखिए अगर आप नमान की इजाज़त से कर रही हैं तो फिर ठीक है, वरना आई एम श्योर उसे भी अच्छा नहीं लगेगा। कुछ पूछना था आपसे इसीलिए आपको फोन किया। पूछिए। अगर आप अपने घर का एड्रेस सेंड कर दें तो मैं किसी वक्त सोमिया से मिलना चाहती हूँ। ये तो अच्छी बात है, उसे काफी अच्छा लगेगा अगर आप लोगों में से कोई उससे मिलना जाएगा। जी जी बिल्कुल, अगर मैं उसे कॉल किए बगैर जाऊंगी तो उसे ज्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने कॉल करके उसे एड्रेस भी नहीं लिया। मैं आपको एड्रेस भेज देता हूँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। वालेकुम पप्पो। वालेकुम अस्सलाम, घर आ गए हो नुमान? नहीं पप्पो, बस अभी निकल रहा था। अच्छा तो बेटा अगर फुर्सत हो तो मुझसे तो मिलते जाना। आप खैरियत तो है ना? हाँ खैरियत है सब, मिलोगे तो बताऊंगी। ठीक है, मैं बस अभी निकल रहा हूँ, आ रहा हूँ। ओके बेटा, खुदा हाफिज। सुने आप कहाँ जा रही हैं? सोमिया बीबी के पास जाएं, उनसे कहें कि राहिला आई है, उनसे मिलो और ये सब सामान उन्हीं को दीजिए। ये सब क्या है? अस्सलाम वालेकुम, ये सब चीज़ें मुमानी ने सोमिया के लिए भिजवाई हैं, बड़े अरमानों से बनाई थी उसके लिए, तो सोचा कि मैं उस तक पहुंचा दूं। तुम क्या लगती हो उसकी? मैं भाभी हूँ, राहिला नाम है मेरा। आप सोमिया की नंद हैं? एक काम करो, ये सारा सामान सोमिया के रूम में पहुंचा दो और उसे कह दो कि उसकी भाभी आई है। तुम खड़ी क्यों हो? आओ बैठो। शुक्रिया। काफी अच्छा और बड़ा घर है आपका। हमारी सोमिया तो बहुत खुशकिस्मत है कि उसे आप जैसे इतने अच्छे लोग और इतना अच्छा ससुराल मिला। वैसे कि अम्मी नजर नहीं आ रही, उनका गुस्सा कुछ कम हुआ? वो मेरी अम्मी नहीं है, मेरी खाला है, और मैं सोमिया की नंद नहीं हूँ, अदन की बीवी हूँ। परेशान मत हो, मेरा और सोमिया का रिश्ता बिल्कुल भी सौकनों वाला नहीं है, हम सहेलियां हैं। अरे ये देखो सोमिया आ गई। कैसी हो? ठीक हूँ। सोमिया मैं राहिला को यही बता रही थी कि हम दोनों तो बिल्कुल सहेलियों की तरह, सौकन जैसे ताल्लुकात तो बिल्कुल भी नहीं है हमारे। तुम दोनों बातें करो, मैं तुम लोगों के लिए चाय लेके आती हूँ। तुम भाई से पूछ के आई हो? नहीं, मुमानी चाहती है कि जो चीजें उन्होंने तुम्हारे लिए बनवाई हैं वो तुम तक पहुंच जाए। मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ, वो तो जब मैं इस घर में दाखिल हुई थी मुझे तभी अंदाजा हो गया था कि तुम्हें किसी चीज़ की जरूरत नहीं है।
ये सब छोड़े बताओ कि अम्मी कैसी हैं। हुमानी बिल्कुल ठीक है और बहुत याद भी करती हैं तुम्हें। जब नुमान ने तुम्हें इजाज़त दे ही दी है तो फिर मिलने क्यों नहीं आती? अपनी माँ से मिलने के लिए मुझे भाई की शरायत मंजूर नहीं है। मैं उस घर में मुजरमों की तरह नहीं आ सकती। सोमिया भूल भी जाओ पुरानी बातों को। जो जख्म मैं वहां से लेकर आई हूँ वो पुरानी बातों को भूलने नहीं देते। अगर नहीं भूलोगी तो आदन के साथ ज्यादती होगी और वैसे भी हातिम की मंगनी तय हो गई है। अगले इतवार को उसकी मंगनी है। मुझे हातिम से गर्ज नहीं है, उसकी शादी हो या मंगनी, वो मेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं रखता। यही तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि सब कुछ भूलकर अपना दिल यहाँ लगाओ। तुम्हारी सारी खुशियां इस घर से जुड़ी हैं सोमिया। मैंने राहिला के लिए चाय का तो कह दिया है लेकिन इसे खाना खाए बगैर नहीं जाने दे रहा। अरे नहीं नहीं, उस तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। अरे इसमें तकल्लुफ की क्या बात है, तुम तो हमारी मेहमान हो, तुम्हारी खातिर तवाजा करना तो हमारा फर्ज है ना। और सोमिया, खाला आज ऑफिस गई है तो तुम जितनी देर चाहो इससे बात कर सकती हो। सोमिया, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। सोमिया तुम्हें काम क्यों नहीं करती, तुम इसे अपने रूम में ले जाओ, फिर जितनी देर बात करनी हो तुम कर सकती हो। अंदर चलते हैं।